हमारे महासचिव अविनाश पांडे साहब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब, सेक्रेटरी हमारे आईसीसी के से प्रभारी काजी निजामुद्दीन साहब, हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे मंत्री बी डी कल्ला साहब, राज्य मंत्री भंवर सिंह जी भाड़ी साहब, प्रभारी बीकानेर के मंत्री सालिम मोहम्मद जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा जी, विधायक गोविंद राम बीरवाल जी, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री वीरेंद्र धन्यवाल जी, पूर्व सांसद भरत मेघवाल जी, मंगलाराम जी गोदारा, प्रधान साहिबा श्वेता चौहान जी, गोविंद राम जी गोदारा साहब, प्रधान लूंगन सर, सोनलाल गोदारा साहब सर के अध्यक्ष, कृष्णा राम जी गोदारा, चूला जी गोदारा, मुलाराम जी, यशपाल गहलोत जी अध्यक्ष सर कांग्रेस कमेटी बीकानेर, महेंद्र गहलोत जी बिहार कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मेघराज सांगला साहब, मदन मेघवाल जी, जावेद परियार जी, गुलाब जी गहलोत, जियाउर रहमान जी, कन्हैया जवहर साहब, लक्ष्मण कड़वासा जी और तमाम उपस्थित नेतागण उपस्थित थे। बहुत ही बुजुर्गों भाई और बहनों नौजवान साथियों, आपके यहाँ पर डूंगरगढ़ में कल हमने इतला करी मंगलाराम जी को और एक दिन की नोटिस के अंदर इस रूप में आप सबको उन्होंने बुलाया, उसके लिए उनका धन्यवाद। आपको धन्यवाद इस बात का कि कम नोटिस के अंदर आपने ए भाई पुलिस वालों क्यों तंग कर रहे हैं, आप लोग शांत रहो, शांत रहो, बिना मतलब इतना कम समय में इतनी बड़ी तादाद में आना ही अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि पिछले चुनाव में कुछ कारणों से आप मंगलाराम जी को कामयाब नहीं कर पाए, इस बात का दुख तो हम सबको है जो मंच बैठे हुए हैं। मंगलाराम जी बहुत ही काबिल, कर्मठ, समर्पित, प्रतिबद्ध, सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी हैं। उनका चुनाव जीतना जरूरी था हमारे लिए, परंतु ये लोकतंत्र है, कई समीकरण बदल जाते हैं और कई कारण बन जाते हैं। जैसे देखा आपने, पिछली बार भी हमारी सरकार इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी, पिछली बार आपके आशीर्वाद में मुख्यमंत्री था, दूसरी बार तब इतने काम किए, हमें पूरा यकीन था कि सरकार कांग्रेस की बनी, कोई कमी रखी नहीं थी। एमएलए थे मंगलाराम जी, जो एमएलए था 5 साल में वो काम मांगता मांगता थक गया और मैंने काम देता देता थका ही नहीं। मैं पूछता भी और भी काम, कोई काम नहीं। पेंशन भी दे दी, दवाएं फ्री भी कर दी, टेलीफोन आता था मंगलाराम जी का, क्या मूंगफली फसल बात कर, मूंगफली की फसल चल रही है, बिजली चाहिए, एक्स्ट्रा बिजली ठोको भाई बीकानेर डूंगरगढ़ के अंदर। इस प्रकार से हमने फैसले किए थे उस वक्त में, और दुर्भाग्य से हवा चली मोदी की, तो पता नहीं मोदी जी ताले तोड़ के ले आएगा जमीन पर, और मोदी 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 करते करते गए, ये असेंबली जीतेगा तो जाके प्रधानमंत्री बन पाएगा, इसको प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है, एक नहीं सुनी हमारी। और ऊपर से मैंने कहा उस वक्त में सरकार हमारी बनेगी, फिर भी इतने अच्छे काम किए तो क्यों नहीं बनेगी, मैंने जनता को कहा था मीटिंगों के अंदर,
फिर मैंने एक बार ये भी कहा अगर सरकार नहीं बनी तो याद रखना आने वाली गवर्नमेंट काम भी नहीं करेगी, और वो ही हुआ। वो वसुंधरा जी ने मेरी बात सुन ली, तो वो काम क्यों करते काम तो मुझे मिलते नहीं। और दो चार एमएलए गए, मैंने सुना उनके पास में सरकार बनने के बाद में दो चार महीने बाद में कि मैडम कोई काम होने रहे क्या मुड़ के जाए गाँव के अंदर। आपको पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि सिविल लाइन्स में जो जयपुर में मेरा मकान और सुंदर मकान आमने सामने है। उन्होंने कहा आपको पता मेरे सामने कौन रहता है? कहते वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहता है। तो कहते समझ गए, जाके पूछ तो उसको, वो खूब काम करके देख लिया, वो वहाँ बैठा हुआ मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। उससे ही शुरुआत उसने करी, शासन करने की शुरुआत उससे करी। काम से कोई वोट नहीं मिलता, जनता ने मिलो या नहीं मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोट तो मिलते वैसे ही मिलते हैं। और 5 साल उन्होंने निकाल दिए, खूब शासन था। तमाम हमारी योजना रिफाइनरी की, मेट्रो की, ब्रॉडगेज की, आदिवासियों में टोंक गुरली जुड़ना था ट्रेन से, बड़ी बड़ी योजना लेकर कोच फैक्ट्री लगनी थी भीलवाड़ा के अंदर, कोई मतलब नहीं था। रिफाइनरी सब प्रोजेक्ट भी उसने बर्बाद कर दिया। कहने का मतलब ही सब बातें आपको मालूम, कितनी बार लाठीचार्ज हुआ आप सबको मालूम है। उनकी सरकार में लाठीचार्ज क्यों होता है? पहली बार मुख्यमंत्री बनी 90 लोग मारे गए, 90 लोग घटना राम लाख लोग भूले नहीं, 76 गुजर मारे गए थे। आप बताओ मेरे को एक इंसान का मरना पूरी गोली से क्या होता है? हुए क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, उनकी सोच मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी आरएसएस की सोच जो है वो अपने विरोध को सहन नहीं कर सकते। और गांधी जी ने कहा था लोकतंत्र के अंदर विपक्ष क्या कहता है उसका सम्मान होना चाहिए। अपना विरोधी कोई है अपनी पार्टी में भी मान लो उसकी बात का भी सम्मान होना चाहिए। आपस में मोहल्ले वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, कोई विरोध बात करता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये लोकतंत्र का कायदा है, ना मोदी जी न वसुंधरा जी विरोध को सहन कर ही नहीं सकती। इनका लोकतंत्र में यकीन है ही नहीं, ये लोकतंत्र का मुखौटा पहन करके राजनीति में उतरे हुए लोग हैं ये लोग। और कोई नीतियाँ नहीं है, कोई कार्यक्रम के पास नहीं है जनता के लिए जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। इसीलिए 40 साल पहले लेके आए थे गौ माता को, गौ माता बंद करो अत्याय। आप याद होगा बुजुर्गों को बड़े बड़े आंदोलन हुआ करते थे, पार्लियामेंट घेरा होते थे, एक बार फायरिंग भी होंगे लोग मारे गए थे, फिर छोड़ दिया गौ माता को, इससे वोट नहीं मिल रहे। राम मंदिर को पकड़ लिया, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, अब आप देख लीजिए 25 साल बात कर राम मंदिर को, खाली चुनाव में इनको राम मंदिर याद आता है, राम मंदिर भी याद इनको नहीं आता। और 5 साल पहले लोग कहने लगे थे कि यार मोदी जो है अगली बार भी कुछ कुछ ऐसा करेगा कि पाकिस्तान युद्ध करवा दे भले ही, पर चुनाव जीतना चाहेगा ही। किसी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी ओपिनियन बनना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं कि प्रधानमंत्री तो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये इमेज बन जाए कि प्रधानमंत्री अमित शाह की जोड़ी जो है ये कुछ भी कर सकती है चुनाव जीतने के लिए, और अमित शाह के मुंह से निकल भी गया 50 साल तक बीजेपी राज करेगी 50 साल तक। पूछो अगर 50 साल राज तुम करोगे, पहले तय कर ले तुम लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करके करोगे, संविधान की हत्या करके करोगे, तब कर पाओगे? बड़ा माई बाप तो आप लोग बैठे हो, जनता फैसला करेगी 50 साल तक तो राज करोगे। और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और 2.5 साल में आंधी चलेगी, आप लोगों ने वापस इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया, वापस बैठ गई कुर्सी में जाकर के प्रधानमंत्री बन गई। ये लोकतंत्र वो है, एक सेकंड इंदिरा गांधी नहीं लगाया, चुनाव हारते ही मुरारी भाई देसाई को लिया सत्ता सौंप दी, वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को भी याद किया मोदी जी ने 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, अरे 70 साल में क्या किया? अगर लोकतंत्र पाकिस्तान के जिंदा नहीं रहता देश में, प्रधानमंत्री जी
आप प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाते, सैनिकों का शासन होता है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश में टुकड़े नहीं होने दिया, पंजाब वालों ने उन्हें दिया, हम भूल जाते हैं। क्या मोदी जी को गर्व नहीं होना चाहिए? हमारे देश में एक प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए थे तो आधारभूत ढांचा मजबूत कर दिया देश का, बड़े कल कारखाने लगा दिए इस्पात के और बड़े बड़े बांध बना दिए। हमें गर्व है कि पंडित नेहरू जी नेता हमें जिनका दुनिया में नाम था। तो मोदी जी मुझसे सुना नहीं, मोदी जी पंडित नेहरू के बारे में जो चला रहे सोशल मीडिया में आरएसएस बीजेपी वाले, इतनी घटिया बातें कभी जिंदगी में कोई सोच नहीं सकता वो चल रही है। पंडित नेहरू जैसे व्यक्तित्व के बारे में जो 12 साल से जेल में बंद रहा, अंग्रेजों के जमाने के अंदर 12 साल से जेल में बंद रहा, किसे कहते हैं, ना पंखे थे ना बिजली थी, उसके बारे में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश आजाद करवा दिया, अभी तो ये सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमें गर्व है कि हमारी सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, इनके जाबाज, इनके बहादुर लोगों पे हमेशा पूरे मुल्क को गर्व रहा है। उसमें ये फैला रहे हैं कि इंतजाम कांग्रेस वाले से क्वेश्चन पैदा कर रहे हैं। इनको पूछे आपके मुझे कभी बात निकली है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की 15 मिनट 13 मिनट जाके आ गए आप तो, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश का उदय कर लिया, और साथ में 90,000 लगभग 1,00,000 सैनिकों को उनके जनरल मेजर कर्नल सबके हथियार सरेंडर करवा दिए। दुनिया के इतिहास में कभी सुना किसी ने? क्या मोदी जी को गर्व नहीं होना चाहिए इस बात का जो हमारा मुल्क का प्रधानमंत्री बना है? 30 साल के बाद में स्पष्ट लोगों में मिला उनको। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए मोदी जी गमन नहीं करना चाहिए था आपको, आपको 100 में से जनता ने खाली 31 वोट दिए थे, 51 वोट भी नहीं दिए आपको, 100 में से 31 वोट दिए थे। गुणचित्रगुड़ा में खिलाफ पड़े थे उस वक्त में भी, जो आपके आंधी चली तो तब भी चली थी। अब आप क्या मुंह लेके जनता के बीच जाओगे? काला धन लेके आऊंगा 80 लाख करोड़ का, 1 रुपये लेके आए, इतना धन लेके आऊंगा हर एक खाते में 15-15 लाख रुपये घुस जाएंगे बैंक के अंदर, घुसे बैंक के खाते में, किसी के खाते में आए पैसे 15 लाख रुपये? कैसे आए? नहीं आए। गरीब आदमी जरा बैंक के पास खड़ा हो जाता तो सुबह सुबह साहब मेरे खाते में पैसा आए क्या? बैंक के मैनेजर जवाब दे दुखी हो गए साहब नहीं आए। फिर जाता फिर आया क्या साहब? कसम नहीं आए। कैसे आते? वो खाली जुमला था, 2 करोड़ नौजवान रोजगार देंगे, वो जुमले जाएंगे। आज वक्त है चुनाव का, लोकतंत्र का तकाजा है, विपक्ष में राहुल गांधी है, वो सवाल पूछते हैं आप जवाब कि आपने पहले वादों का क्या हुआ? कायदा होता है लोकतंत्र में, सवाल विपक्ष पूछता है, जनता पूछती है भाई आपने हमसे वादे किए थे ब्लैक मनी लाने के, रोजगार देने के, महंगाई कम करने के। राहुल गांधी पूछता रफेल का लड़ाकू विमान 526 करोड़ का था यूपीए गवर्नमेंट में, वो एकदम 1,600 करोड़ ज़्यादा कैसे हो गया? कोई जवाब नहीं दे रहा। जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को चुनाव में, ना जवाब देते हैं वो, ना 5 साल की उपलब्धि बताते हैं, ना आगे की योजना बताते हैं। वो खाली कश्मीर को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के, राहुल गांधी के ऊपर इतने निम्न स्तर के आरोप लगा करके, उनके परिवार पर आरोप लगा करके, जिसके परिवार का आप कल्पना करो, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 30 साल से लगभग 30 साल से ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री ना मंत्री बना। कांग्रेस अगर एकजुट है उनके नाम से तो आपको चिंता क्यों सता रही है? कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे आप? अरे कांग्रेस तो सत्ता में हो या नहीं हो, हमेशा उनकी नीति, उसके कार्यक्रम, उनके सिद्धांत
महात्मा गांधी के, पंडित नेहरू के, सरदार पटेल के, अबू कलाम आजाद के, संविधान बना था अम्बेडकर साहब के जमाने, उनके दिए हुए हैं, उससे लोकतंत्र कायम भी है, देश एक अखंड रहा, आधुनिक भारत बना। वरना आपको मालूम है कि बीकानेर और डूंगरगढ़ क्या था 40 साल पहले, 50 साल पहले, भूल जाते हैं कि आंधी चलती थी, कहाँ ये मंडियाँ थी, कहाँ ये शहर बसे हुए थे, छोटे मोटे 100-100 घरों के मकान थे पक्के, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पर आज मोदी जी कोई बात नहीं दिखती है, इन्हें 5 साल में सब कुछ हो गया देश के अंदर, ये कब तक चल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव का मामूली चुनाव नहीं है, देश की तकदीर का फैसला करेंगे। मोदी जी जैसे पार्टी में वापस चुनाव जीत के आ गए तो आप दिमाग में रखो आगे चुनाव होंगे क्या होंगे कोई गारंटी नहीं है, 50 साल तक राज करेंगे। ये बात मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, मेरा कोई राजनीतिक बात करने का उद्देश्य नहीं है। पूरे मुल्क के लोग घबराए हुए हैं, ये मीडिया वाले हो, मीडिया हाउसेज वाले, ये खुद दबाव में काम कर रहे हैं, मीडिया दिखा नहीं रहा है कांग्रेस के उपलब्धियों को, कांग्रेस के नेताओं को, मोदी 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 चल रहा है देश के अंदर, कुछ मीडिया वाले हिम्मत कर रहे हैं, बाकी तो दबाव में है। रवीश कुमार हिम्मत कर रहा है, NDTV वाला, वो तो यहाँ तक कहता है 2 महीने आप जो है 2 महीने आप TV देखना बंद कर दो, ये गुमराह कर देंगे देश को, इनके एंकर भी, इनके मालिक भी, इनकम टैक्स CBI ED के दबाव के अंदर है, मजबूरी में वो चाहते हुए निष्पक्ष नहीं बना पा रहे जनता, क्या सच्चाई है। और कहीं जनता गुमराह हो गई कि भाई तो मोदी मोदी आ रहा है, मोदी सब कुछ दिखता है, राष्ट्रभक्ति की बात मोदी के नाम से, वो राष्ट्रभक्त हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए सभी राष्ट्र विरोधी हैं। आप कल्पना कीजिए जिनकी सोच ये हो कि BJP का फॉर्म भरो तब वो असली हिंदू बनता है, हम हिंदू नहीं है क्या, इस प्रकार की सोच के साथ राजनीति हो रही है। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा कि कृपा करके एक एक सीट बहुत बेहतर रखती है, इस सीट को आप लोग किसी भी कीमत पर आप लोग कामयाब करो, हम चुनाव जीत के जाएं, केंद्र में जनता बुलंद हो कांग्रेस का वापिस, राज्य में हो, ये हमारा सपना होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की जरूरत है देश को, और देशवासी कहने लग गए हैं लोग सब, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि जो आज घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है देश में, जो नहीं होना चाहिए, आप प्यार से भाईचारे से राजनीति करो, हमारी कोई अदावत नहीं है BJP से RSS से, उनकी विचारधारा रहेगी देश के अंदर, वो रहे अपनी जगह रहे, हम खाली जनता के दरबार में जाकर अपनी बात कहें, वो अपनी बात कहें, जनता फैसला करे, वो फैसला सबको मंजूर हो, ये लोकतंत्र का कायदा है, ये राहुल गांधी का सपना है, राहुल गांधी की सोच है, इन लोगों के लिए ये सोच कोई मायने नहीं रखती है, ये लोग शुरू से इनका सोच ऐसे ही रहा है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी आप निश्चित रहो जो भी विकास के काम है, लंबी चौड़ी फहरिस्त है, सरकार बन रही है, हमने कर्जे माफ कर दिए, किसी बैंक के भी कर दिए, भूमि विकास बैंक के कर दिए, इन लोगों को रहन रखी हुई जमीनें थी वो छूट सके, और तमाम कर्जे जो माफ़ किए हमने कॉपरेटिव बैंकों के, उसी ढंग से नेशनल बैंक है उनके कर्जे माफ़ करने के लिए हम लोगों ने बातचीत शुरू करी बैंकों से, कॉपरेटिव बैंकों से भी 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर भी कर रहे हैं। 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, ये हमने पहले घोषणा कर दी, 1 लाख कनेक्शन, कृषि कनेक्शन दे रहे हैं 6 जून तक, मार्च तो आ गया है, चालू है काम, 1 लाख कनेक्शन जून तक मिल जाएंगे। अभी मैंने कहा है 15 लाख लीटर से जो पानी की जो बिल आते हैं वो गांव में या शहर में, 54 लाख तो शहर में है,
और एक करोड़ 60 लाख गाँव के अंदर पानी पिलाते वो सब माफ कर दिए गए, कोई बिल नहीं आएगा। पेंशन बढ़ा दी हमने, पेंशन बढ़ा दी 500 साढ़े 700 हजार प्रति व्यक्ति, पति पत्नी तो डबल है। मोदी जी 2000 रुपए भेज करके वापस ले रहे हैं, हम दे रहे 24,000 पति पत्नी को, 18,000 दे रहे हैं अगर कम उम्र है तो पेंशन में। 2 रुपये किलो मेरा हमने 1 रुपये किलो गेहूँ देना शुरू कर दिया है गरीबों को, 1.5 करोड़ हो गए वो। दूध के लिए हमने 2 रुपये प्रति लीटर बोनस देना शुरू कर दिया है। बेरोजगारों को 3,000 रुपये और 3,500 रुपये प्रति माह भत्ता देना शुरू कर दिया है। लड़कियों की शिक्षा फ्री कर दी है, पहले 12वीं तक थी अब कॉलेज तक भी कर दी है। कहने का मतलब है कि बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ किया गया इतने कम समय में। अभी पायलट साहब कह रहे थे आपको, इतने कम समय में 21 फैसले हमने किए हैं और एक से एक बढ़ करके, ये तो मैंने कुछ फैसले बताया आपको, एक से एक बढ़ करके। आप निश्चिंत रहें, ये सरकार किसानों की है, गाँव वालों की है, गरीबों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, अल्पसंख्यकों की है, छत्तीस कौम की है, जो गरीब है 10% जो जनरल कास्ट के लोग थे वो आरक्षण भी हमने खाली घोषणा नहीं करी है, उसको लागू कर दिया। राजस्थान के अंदर ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन निकल चुका है, कोई कमी नहीं रखी है, आगे भी नहीं रखेंगे, ये आप निश्चिंत रहें। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप लोग, क्योंकि पता नहीं क्या श्राप लग गया है, कोई जमाने में बिका नहीं गढ़ खाता हूँ इसका, गंगानगर से लगा करके हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पूरा राजस्थान गढ़ीगढ़ था। तो बीकानेर के अंदर पता नहीं हमने क्या गलती कर दी है कि किसी कारण से हम चुनाव कामयाब हो नहीं पाते पूरी तरह से। या तो आप हमें गलती बताओ, हम कोई मोदी जी की तरह जो मोदी जी मन की बात कहते हैं हर सप्ताह संडे को, वो मोदी जी अपनी मन की बात कहते हैं नहीं, वो मोदी जी मन की बात थोपते हैं जनता को, थोपते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं आप जनता की बात बात सुनो, जनता क्या चाहती है, विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं। वो कुलियों में भी गए, रेलवे कुलियों से जाके मिले, मछुआरे जाके मिले, रिक्शा वालों से मिले, रेडी वालों से मिले, ठेले वालों से, बताओ भाई आप क्या चाहते हो, हम अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे, घोषणा पत्र में लिखेंगे। राहुल गांधी की सोच ये है, थोपो मत, जनता जो बात कहती है उसको सुन करके हम राज करना चाहते हैं। तो कृपा करके बता दो भैया, अभी नहीं बता सको तो कोई बात नहीं, आप बंगला में हम या तो लिख के देना या काम में जाके कहना भाई ये आपने गलतियाँ करी है, बंगला में जाके हमें बता देंगे ये गलती कांग्रेस हुई, तो कम से कम वो गलती हम सुधार लें। लोकतंत्र है, हमारा कोई घमंड नहीं है, अहम नहीं है हमें, ना घमंड है ना अहम है। मोदी जी की तरह, वसुंधरा जी की तरह, वो अहम घमंड में ही राज करते करना जानते हैं। हम चाहते हैं कि हम जनता की भावनाओं को कैसे अंगीकार करें, किस प्रकार आत्मसात करें, आपके दुख दर्द को समझें, उस रूप में राज करें जनता की भलाई के लिए। इतना फर्क है, मोदी जी तो इस प्रकार से जब हम कहते हैं आपको कि मन की बात सुनकर करना चाहते हैं, हम थोपना नहीं चाहते, ना हमें घमंड है ना अहम है। मोदी जी में बहुत बड़ा घमंड है, जिस प्रकार से बोलते हैं, आलोचना करते हैं विपक्ष की, बाहर के मुल्कों में जाकर के उन्होंने छोड़ा, 70 साल में कांग्रेस, 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, मेरे राज में सब कुछ हो रहा। अरे भाई आप दुनिया के मुल्कों में जाके, कोई प्रधानमंत्री ने इतिहास के अंदर अपने मुल्क की बुराई नहीं करी है कि पिछली सरकारों ने काम किया नहीं किया, क्या रहा क्या नहीं रहा, ये कभी नहीं हुआ। मोदी जी से बोलते हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कृपा करके आप पुरानी बातों को भूलो, जो काम करेगा
उसे गलती भी होगी, हमने काम किया है चित्रकार से कुछ गलती हुई होगी, जो काम नहीं करेगा उसे गलती क्या होगी, उसे क्या पूछोगे। इसलिए कृपा करके पुरानी बातों को भूलो और बीकानेर की धरती से मैं बोल रहा हूँ पूरे संभाग के लिए, पूरा बीकानेर संभाग इस बार तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में डालो, ये मैं आपका आह्वान करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।